प्राथमिक क्रियाकलाप के जो नेक्स्ट व्यवसाय हैं कृषि, इसका अध्ययन हम लोग इस वीडियो में करेंगे। पिछले वीडियो में हम लोग आखेट एवं संग्रहण पशुपालन का विस्तृत अध्ययन कर चुके हैं। इस वीडियो में पूरे विश्व में कृषि प्रणाली का अध्ययन हम लोग करेंगे। कृषि जो है मनुष्य का व्यवसाय का सबसे प्रमुख भाग है, अतः विकासशील देशों में 65% से अधिक जनसंख्या कृषि कार्यों में संलग्न है। यह पृथ्वी पर समस्त मानव जाति को भोजन एवं अन्य वस्तुएं उपलब्ध कराती है। चूंकि पूरे विश्व की जलवायु एवं मृदा में काफी अंतर पाया जाता है और यही कारण है कि पूरे विश्व की कृषि प्रणाली में भी अंतर मिलता है। और इस आधार पर हम लोग आज जानेंगे कि पूरे विश्व में कृषि प्रणाली किस प्रकार की है, इसका वितरण कैसे मिलता है और इस कृषि प्रणाली की विशेषताएं क्या हैं। तो फर्स्ट है निर्वाह कृषि, सब्सिस्टेंस एग्रीकल्चर। निर्वाह कृषि को स्थानांतरित कृषि भी कहते हैं, शिफ्टिंग एग्रीकल्चर के नाम से भी इसको जाना जाता है। यह कृषि मुख्य रूप से मानव द्वारा उदर पूर्ति के लिए किया जाता है, पेट भरने के लिए किया जाता है। कृषि की इस पद्धति में वन के एक छोटे टुकड़े के पेड़ पौधों को, झाड़ियों को काट दिया जाता है, उसे साफ कर दिया जाता है और इस प्रकार से कटी हुई वनस्पतियों को जला दिया जाता है। उससे प्राप्त हुई राख को मिट्टी में मिला दिया जाता है, फैला दिया जाता है, इसलिए इसे कर्तन और दहन, स्लैश एंड बर्न एग्रीकल्चर के नाम से भी जाना जाता है। यह राख मिट्टी में खाद का काम करती है एवं इस भूभाग पर फसलें उगाई जाती है। जब इस भूमि की उपजाऊ शक्ति, उर्वरा शक्ति कम होने लगती है तो पुनः इस तरह के कार्य को दूसरे स्थान में आरंभ कर दिया जाता है। अतः इसे झाड़ी परत, बुश फैलो कृषि के नाम से भी जाना जाता है, क्योंकि एक स्थान में 2 से 3 साल तक कृषि कार्य करने के बाद जब भूमि की उर्वरा शक्ति समाप्त हो जाती है तो अन्य स्थान के जंगल को पुनः काट कर ये प्रक्रिया आरंभ की जाती है, अतः इन्हें झाड़ी परत कृषि भी कहा जाता है। स्थानांतरित कृषि जो है पूरे विश्व में मुख्य रूप से मध्य अफ्रीका के विषुवत रेखा के सहारे की जाती है, जो कि विश्व का सबसे बड़ा भाग घेरता है। यदि हम लोग उत्तरी पूर्वी भारत की बात करें तो यह भारत में मुख्य रूप से असम, मेघालय, मणिपुर, त्रिपुरा, नागालैंड एवं मिजोरम वाले क्षेत्रों में की जाती है। मध्य अमेरिका तथा अमेरिका में इसे अलग अलग नामों से जाना जाता है। अब हम लोग जानेंगे कि इस कृषि को अलग अलग भागों में किस नाम से जाना जाता है। ये क्वेश्चन जो है ज्योग्राफी के अलावा आपके कॉम्पिटिटिव एग्जाम में भी काम आएंगे। चाहे कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम हो, इस तरह के क्वेश्चन आते हैं स्थानांतरित कृषि के अलग अलग कौन कौन से नाम हैं। मलेशिया में इसे लैडान के नाम से जाना जाता है, उत्तरी पूर्वी भारत में झूमिंग के नाम से, फिलीपींस में चेनगिन, मध्य अमेरिका और मैक्सिको में मिल्पा, वियतनाम में रे, वेनेजुएला में कोनुकू, ब्राजील में रोका, जायरे नदी की घाटी तथा मध्य अफ्रीका में इसे मसोले के नाम से जाना जाता है। अब हम लोग जानेंगे कि स्थानांतरित कृषि में मुख्य रूप से किन फसलों को उगाया जाता है। स्थानांतरित कृषि मुख्यतः भोजन प्राप्त करने के लिए की जाती है, जिसमें मक्का, कसावा, केला, शकरकंद मुख्य फसलें हैं। चूंकि
इस प्रकार के उत्पादन में स्वयं के भरण पोषण के लिए उत्पादन कार्य किया जाता है, अतः शेष बचत नहीं हो पाती है, इसलिए एक्स्ट्रा लाभ भी इसमें नहीं हो पाता है। भूमि की उर्वरा शक्ति बहुत ही कम होती है, जिस कारण प्रति हेक्टेयर और प्रति व्यक्ति उपज भी कम मिलती है। अतः यह कृषि कम जनसंख्या वाले क्षेत्रों में की जाती है। अब हम लोग जानेंगे इस कृषि के लाभ है अथवा कुछ दोष भी हैं। चूंकि यह कृषि वन्य क्षेत्रों को साफ करके की जाती है, इसका सबसे बड़ा दोष यह है कि इससे वनों का ह्रास होता है एवं पर्यावरण की क्षति होती है। दूसरा जो सबसे बड़ा डिमेरिट्स है इस कृषि का, मृदा अपरदन इसमें तेजी से होता है। वर्तमान समय में भारत सहित विश्व के अधिकांश क्षेत्रों में इस तरह की कृषि पर प्रतिबंध लगा दिया गया है, जो काफी जरूरी भी है। क्योंकि जैसा कि मैंने पिछले वीडियो में आखेट एवं संग्रहण के संदर्भ में बात की थी कि इस तरह के कृषि कार्य आज भी आदिम जनजातियों के माध्यम से की जाती है, जिस पर प्रतिबंध लगा दिया गया है। अतः उन लोगों को रोजगार एवं भरण पोषण से जोड़ने के लिए जरूरी है कि कुछ भूमि उन्हें दे दिया जाए, जहां पर वे अपने आर्थिक क्रियाकलाप को अच्छे से कर सके, लाभ कमा सके, अपनी अर्थव्यवस्था को मजबूत कर सके और साथ ही साथ उस भौगोलिक क्षेत्र में निवास वनों की भी देखरेख करने में वो अपनी भूमिका निभाएं। नेक्स्ट हम लोग जानेंगे गहन निर्वाह कृषि। गहन निर्वाह कृषि मुख्यतः एशिया के घनी जनसंख्या वाले क्षेत्रों में की जाती है, जिसमें कि चीन, भारत, पाकिस्तान, बांग्लादेश, दक्षिणी पूर्वी एशियाई देश सम्मिलित हैं, जिनमें जापान को भी शामिल किया गया है। इस प्रकार की कृषि में मुख्य रूप से चावल की कृषि की जाती है। अब एक छोटा सा एग्जांपल देते हैं। यदि घर में कोई फंक्शन हो, हम लोग रोटी बनाए, इससे कम लोगों का हम लोग पेट भर सकते हैं, लेकिन यदि हम लोग चावल बनाए तो इससे अधिक से अधिक लोगों का हम लोग पेट भर सकते हैं। तो यह भी एक कारण है कि चावल की कृषि इन क्षेत्रों में सबसे अधिक की जाती है, अतः यह कारण भी है कि इन क्षेत्रों में जनसंख्या अधिक मिलती है। और इस प्रकार की कृषि की मुख्य विशेषता यह है कि इनमें जनसंख्या का घनत्व अधिक होने के कारण खेतों का आकार छोटा होता है, भूमि का गहन उपयोग किया जाता है, मशीनों का प्रयोग बहुत ही कम किया जाता है, कृषि कार्य जो होते हैं परिवार के सदस्य मिलकर करते हैं एवं मिट्टी की उर्वरता को बनाए रखने के लिए गोबर के खाद का प्रयोग किया जाता है। अतः हम कह सकते हैं कि इससे होने वाला जो प्रति इकाई उत्पादन अधिक होता है, लेकिन प्रति इकाई कृषक को लाभ कम होता है। लेकिन यदि हम लोग वर्तमान संदर्भ में इसकी बात करें तो आज जनसंख्या इतना तीव्र गति से बढ़ा है, जिससे जनसंख्या घनत्व तो बढ़ा है लेकिन उस अनुपात में कृषि भूमि काफी तेजी से घटी है। आज हम लोग आसपास के क्षेत्र में भी यदि दृष्टिगोचर करें, देखें, तो पाएंगे कि जहां आज से लगभग 5 साल पहले या 10 साल पहले कृषि कार्य होता था, आज वहां सड़क बन गए हैं, मॉल बन गए हैं, फ्लैट बन गए हैं। इस तरह से हम कह सकते हैं कि जनसंख्या तो बढ़ा है लेकिन उस अनुपात में कृषि भूमि में बढ़ोतरी नहीं हुई है, उसके आकार में बढ़ोतरी नहीं हुई है। तो इतने लोगों के भरण पोषण के लिए आज गोबर के खाद का प्रयोग नहीं किया जाता, बल्कि रासायनिक खादों का प्रयोग किया जाता है, हाइब्रिड बीज का प्रयोग किया जाता है, जिससे इतनी अधिक जनसंख्या का भरण पोषण आसानी से किया जा सके, जिसके बहुत से डिमेरिट्स भी हैं। और इस डिमेरिट्स को हम सभी जानते हैं कि आज हम लोग भोजन जो है स्वस्थ रहने के लिए नहीं बल्कि पेट भरने के लिए कर रहे हैं, क्योंकि आज फल हो, सब्जी हो, दूध हो, ये सारे हाइब्रिड बीज केमिकल फर्टिलाइजर के माध्यम से उगाए जा रहे हैं, जो कि स्वास्थ्य के लिए बेहतर नहीं है आज। और इसके विकल्प के तौर पर आज एग्रो एग्रीकल्चर काफी डेवलप हो रहे हैं, लेकिन ये डेवलपमेंट
अतः हम लोग चर्चा कर रहे थे कि चीन, भारत, पाकिस्तान, बांग्लादेश, दक्षिणी पूर्व एशियाई देश सहित जापान में जिस तरह से जनसंख्या तेजी से बढ़ा है, उस अनुपात में कृषि भूमि में बढ़ोतरी नहीं हुई है। वर्तमान समय में जैविक कृषि की संकल्पना में वृद्धि हो रही है, लेकिन यह वृद्धि इतनी बढ़ती हुई जनसंख्या के भरण पोषण के लिए उपयोगी नहीं है, बल्कि इसके क्षेत्र में विस्तार करने की अति आवश्यकता है ताकि हमें एक संतुलित और अच्छा भोजन मिल सके। नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं चावल रहित गहन निर्वाह कृषि। इन क्षेत्रों में चावल को छोड़कर मुख्य रूप से गेहूं, सोयाबीन, जौ इत्यादि की कृषि की जाती है। इसके अंतर्गत उत्तरी चीन, उत्तर पश्चिम भारत, मंचूरिया, उत्तरी कोरिया एवं उत्तरी जापान के देश आते हैं, जहां पर इन फसलों की जो उपरोक्त बताए गए हैं कि कृषि की जाती है। चूंकि यह क्षेत्र कम वर्षा का क्षेत्र है, अतः सिंचाई की व्यवस्था करके भी इन क्षेत्रों में कृषि कार्य को संपादित किया जाता है। नेक्स्ट जो कृषि प्रणाली है, रोपण कृषि, प्लांटेशन क्रॉप, इसे बागाती कृषि के नाम से भी जाना जाता है। चूंकि यह एक व्यापारिक कृषि है, जिसके अंतर्गत बाजार में बेचने वाले फसल जैसे चाय, कहवा, कोको, रबड़, कपास, गन्ना, केला, अनानास, सिंकोना, नारियल इत्यादि प्रमुख रूप से की उत्पादित की जाती हैं। रोपण कृषि के अंतर्गत जो क्षेत्र आते हैं, एशिया, अफ्रीका, दक्षिण एवं मध्य अमेरिका के उष्ण एवं उपोष्ण कटिबंधीय क्षेत्र, उष्ण कटिबंधीय 15 से 25 डिग्री नॉर्थ एंड साउथ हेमिस्फीयर, उपोष्ण कटिबंध 25 टू 35 डिग्री नॉर्थ एंड साउथ हेमिस्फीयर। चूंकि इस प्रकार की कृषि विस्तृत क्षेत्र में की जाती है, इसका आकार काफी बड़ा होता है एवं अधिक पूंजी निवेश किया जाता है, उच्च प्रबंध एवं तकनीकी आधार पर एवं वैज्ञानिक विधियों के प्रयोग द्वारा इस प्रकार की कृषि कार्य की जाती है। इस कृषि का सबसे बड़ा लाभ यह है कि यदि इसे एक बार लगा दे तो इसे सालों साल तक उत्पादन का लाभ लिया जा सकता है। नेक्स्ट हम लोग जो कृषि प्रणाली है, विस्तृत वाणिज्य अनाज कृषि। इस प्रकार की कृषि मुख्यतः मध्य अक्षांशों के आंतरिक अर्ध शुष्क क्षेत्रों में की जाती है, जिसमें गेहूं, मक्का, जौ, जई, राय जैसी फसलों को उगाया जाता है। इसमें भी खेतों का आकार काफी बड़ा होता है, प्रायः खेत सैकड़ों हेक्टेयर से भी अधिक विस्तृत क्षेत्र में फैले होते हैं। यह अपेक्षाकृत यंत्रीकृत कृषि है, जिसमें खेतों को जोतने से लेकर फसलों की बुवाई से लेकर उनकी कटाई तक का कार्य यंत्रों के माध्यम से किया जाता है एवं यह विरल जनसंख्या वाले क्षेत्र में होता है, और यही कारण है कि प्रति एकड़ उत्पादन कम परंतु प्रति व्यक्ति उत्पादन इसमें अधिक मिलता है एवं इस प्रकार की कृषि विश्व में यूरेशिया के स्टेपी घास के मैदान में, उत्तरी अमेरिका के प्रेरी घास के मैदान में, अर्जेंटीना के पंपास घास क्षेत्र में, दक्षिण अफ्रीका के वेल्ड्स में, ऑस्ट्रेलिया के डाउन्स वाले क्षेत्र में मुख्य रूप से की जाती है। नेक्स्ट जो कृषि प्रणाली है, मिश्रित कृषि। मिश्रित कृषि का तात्पर्य है फसलों के उत्पादन के साथ साथ पशुपालन कार्य को भी शामिल करना, अतः इसमें फसलों के साथ साथ पशुपालन के कार्य भी किए जाते हैं, जिस कारण इसे मिश्रित कृषि का नाम दिया गया है।
इनमें बोई जाने वाली जो मुख्य फसल है जौ, गेहूं, राई, जय, मक्का इत्यादि हैं। एवं पशुओं में मवेशी, भेड़, सुअर मुख्य रूप से पाले जाते हैं। अब इस कृषि की जो प्रमुख विशेषता है जिनमें है, खेतों का आकार इसमें मध्यम प्रकार का होता है, सस्यावर्तन की सहायता से मृदा की उर्वरता को बनाए रखा जाता है, सस्यावर्तन क्रॉप पैटर्न, एक ही भूमि में 3 से 4 फसलों को एक साथ लगाया जाता है, यदि एक फसल तैयार हो जाए तो उस फसलों की कटाई करके वहां दूसरी फसल लगा दी जाती है और उसके बगल वाले फसल पककर तैयार हो जाते हैं। इस प्रकार फसलों के एक साथ लगाने से एक फसल की कटाई के बाद दूसरा फसल तैयार और इस प्रकार से मृदा की उर्वरता बनी रहती है। इस कृषि में यंत्र, भवन, रासायनिक एवं वनस्पति खाद की व्यवस्था करने के लिए अधिक पूंजी निवेश की आवश्यकता होती है, साथ ही साथ कृषकों की कुशलता एवं योग्यता भी अनिवार्य है। मुख्य रूप से मिश्रित कृषि अत्यधिक विकसित भागों में की जाती है, जैसे उत्तर पश्चिम यूरोप, उत्तरी अमेरिका का उत्तरी पूर्वी भाग, यूरेशिया के कुछ भाग, दक्षिण महाद्वीप के समशीतोष्ण अक्षांश वाले भागों में इसका विस्तार अधिक मिलता है। नेक्स्ट जो कृषि प्रणाली है, डेयरी कृषि, डेयरी एग्रीकल्चर। डेयरी कृषि विशेष प्रकार की कृषि है जिसके अंतर्गत पशुओं को दूध के लिए पाला जाता है एवं उनके स्वास्थ्य, प्रजनन एवं पशु चिकित्सा पर विशेष ध्यान दिया जाता है। भारत में डेयरी कृषि मुख्य रूप से गुजरात के आनंद में विकसित हुई है और दुग्ध उत्पादन में यह पूरे विश्व में प्रथम स्थान रखता है। डेयरी कृषि जो है उन्नत प्रकार की कृषि है जिसमें दुधारू पशुओं को पाला जाता है। पशुओं को चराने एवं दूध निकालने के लिए पर्याप्त श्रम होना अति आवश्यक है। पशुओं की देखरेख पूरे साल करनी पड़ती है, इनमें कोई भी गैप नहीं होना चाहिए और इस प्रकार की कृषि मुख्यतः नगरीय और औद्योगिक केंद्र के समीप स्थापित किए जाते हैं, क्योंकि दुग्ध एवं दुग्ध उत्पाद जो है तुरंत खराब होने वाले हैं, अतः नगरीय केंद्रों के समीप स्थापित करने से इन्हें बाजार और जनसंख्या मिल जाती है ताकि इनकी खपत आसानी से हो सके और ये नष्ट और खराब ना हो। डेयरी कृषि मुख्यतः उत्तर पश्चिम यूरोप, कनाडा, न्यूजीलैंड, दक्षिण पूर्वी ऑस्ट्रेलिया एवं तस्मानिया के क्षेत्रों में ज्यादा डेवलप हुए हैं, अधिक विकसित हुए हैं। नेक्स्ट जो कृषि प्रणाली है, भूमध्य सागरीय कृषि, मेडिटेरेनियन एग्रीकल्चर। नाम से ही क्लियर है कि विश्व के जहां कहीं भी भूमध्य सागरीय जलवायु पाई जाती है, भूमध्य सागरीय कृषि की जाती है। तो विश्व में उत्तरी अमेरिका के सेंट्रल कैलिफोर्निया, दक्षिणी अमेरिका के सेंट्रल चिली, साउथ अफ्रीका एवं भूमध्य सागर के सहारे फैले हुए जो क्षेत्र है, भूमध्य सागरीय क्षेत्र के सहारे इस प्रकार की जलवायु यहाँ पर पाई जाती है। भूमध्य सागरीय जलवायु की सबसे बड़ी विशेषता यह है कि यहाँ सालों भर ना अधिक गर्मी पड़ती है ना अधिक सर्दी पड़ती है एवं जाड़े के दिनों में बारिश होती है। भूमध्य सागरीय कृषि में मुख्यतः रसदार फलों की कृषि की जाती है जिसमें अंगूर, अंजीर, जैतून, टमाटर मुख्य रूप से उत्पादित किए जाते हैं। विश्व के जितने भी वाइन फैक्ट्री हैं, सबसे ज्यादा डेवलप अवस्था में भूमध्य सागरीय क्षेत्रों में ही स्थापित किए गए हैं, क्योंकि इन क्षेत्रों में साइट्रस फ्रूट मुख्य रूप से उत्पादित किए जाते हैं। पूरे विश्व में किशमिश का निर्यात इन क्षेत्रों से सबसे ज्यादा होता है। इस कृषि के मुख्य क्षेत्र जो हैं,
उत्तर पश्चिम यूरोप, संयुक्त राज्य अमेरिका, उत्तरी पूर्वी एवं भूमध्य सागरीय प्रदेश में अधिक डेवलप हुए हैं ये, जहां औद्योगिक क्षेत्रों में जनसंख्या का घनत्व भी अधिक मिलता है। हम लोग न्यूज में भी देखे हैं कि नीदरलैंड जो है फूल के उत्पादन में विशिष्ट स्थान रखता है और यहाँ से बागवानी फसल विशेषकर ट्यूलिप पूरे यूरोप के प्रमुख शहरों में भेजा जाता है और जिन प्रदेशों में कृषक केवल सब्जियां पैदा करती हैं वहां इसको ट्रक कृषि कहते हैं। ये क्वेश्चन आता है ट्रक फार्मिंग से आप क्या समझते हैं। ट्रक जो है फार्म एवं बाजार के बीच की दूरी एक रात में कंप्लीट करता है या रात भर में इसे कंप्लीट करता है और उसी के आधार पर इसका नामकरण ट्रक कृषि किया गया है। भूमध्य सागरीय क्षेत्रों में मुख्यतः अंगूर, जैतून, अंजीर एवं टमाटर की कृषि की जाती है और आप देखिएगा कि सेंट्रल कैलिफोर्निया में ही टोमेटो फेस्टिवल मनाया जाता है और हिंदी फिल्म में भी इससे बहुत सारे गाने में ये सीन भी दिखाए गए हैं टोमेटो फेस्टिवल पे। तो यूं ही टमाटर को वेस्ट नहीं किया जाता है बल्कि इन क्षेत्रों में टमाटर का उत्पादन अधिक होता है, यहाँ काफी कम दाम में ये मिल जाते हैं, उपलब्ध हो जाते हैं। नेक्स्ट हम लोग जानेंगे कारखाना कृषि, फैक्ट्री फार्मिंग। यह एक अन्य प्रकार की कृषि है जिसमें विशेषता गाय बैल को पाला जाता है जिन्हें बाड़ों में रखा जाता है एवं कारखाना में निर्मित चारों को ही इन्हें खिलाया जाता है एवं पशुओं की देखरेख के लिए विशेष ध्यान दिया जाता है। वैज्ञानिक पद्धति से यह कृषि कार्य की जाती है। ये कृषि भी जो है मुख्य रूप से पश्चिम यूरोप एवं उत्तरी अमेरिका के औद्योगिक क्षेत्रों में विशेष रूप से की जाती है। नेक्स्ट हम लोग जानेंगे कि संगठन के आधार पर जो कृषि के हैं दो प्रकार हैं, सहकारी कृषि। सहकारी कृषि में जो कृषक हैं वे अपनी स्वेच्छा से भूमि और जो संसाधन होते हैं एक साथ एकत्रित करते हैं। आजकल ग्रामीण क्षेत्रों में आप देखिएगा सहकारी संस्था बना के, एक समिति बना के सभी लोग मिलकर एक साथ कृषि कार्य करते हैं एवं उससे होने वाला जो लाभ होता है सभी को आपस में बराबर बराबर बांट दिया जाता है। नेक्स्ट है सामूहिक कृषि। सामूहिक कृषि इस सिद्धांत पर आधारित है कि उत्पादन के जो संसाधन है उसका स्वामित्व पूरा समाज होगा और श्रम सामूहिक रूप से प्रदान किया जाएगा जो कि साम्यवादी क्रांति की देन है। वर्तमान समय में हेमंत सोरेन जी का जो हमारे मुख्यमंत्री